हे गाइस वेलकम बैक टू द इंडियन गन पाउडर। तो आज हम लोग बनाएंगे एक स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस। ये एक माचिस की तिल्ली होती है जिसे हम लोग कहीं पे भी रगड़ के आग जला सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ज़रूरत में पड़ेगा रिंग कैप्स की। ये छोटे बच्चों के बंदूक में डाल के फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा एक प्लायर की और कुछ माचिस को तिल्लियाँ की। यहाँ पे हम लोग 9 रिंग कैप में से 2 रिंग कैप को काट के निकाल लेंगे सीजर की मदद से। स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस बनाने के लिए रिंग कैप के अंदर जो बारूद रहता है उसका जरूरत हम लोगों को पड़ेगा। रिंग कैप का टुकड़ा निकालने के बाद हम लोगों को प्लायर की मदद से उसके अंदर से बारूद निकालना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को तरीका दिखा रहा हूँ कैसे बारूद निकालना है। दो रिंग कैप से बारूद निकालने के बाद हम लोग उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 2 या 4 बूंद पानी काफ़ी रहेगा इसके लिए। रिंग कैप के बारूद में पानी डालने के बाद हम लोग उसे अच्छे से मिला लेंगे पानी से ताकि ये एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। अच्छे से मिलाने के बाद ये कुछ इस टाइप का गाढ़ा पेस्ट टाइप बन जाएगा। अब हमें सिंपली एक माचिस की तिल्ली लेना है और उसके बारूद वाले हिस्से को गाढ़ा जो पेस्ट बना हुआ है उसके अंदर डुबो देना है। और ध्यान रखना है कि जो माचिस की तिल्ली के सर में जो बारूद है उसमें अच्छी तरीके से पेस्ट लग जाए। अच्छे से पेस्ट लगाने के बाद हम लोग उसे एक स्टैंड में रख देंगे क्योंकि बाद में इसे हम लोगों को धूप में सुखाना होगा। मैं यहाँ पे बहुत सारे तिल्लियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिखने लग जाएगा। अब हमें सिंपली ये माचिस की तिल्लियों को धूप में ले जाके 2 या 3 घंटा अच्छे से सुखाना है। ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है, कृपया इसे घर में करने की कोशिश मत कीजिए, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। हम यहाँ पे पूरी सेफ्टी के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। धूप में अच्छे से सूखने के बाद इसका कलर थोड़ा फेड हो जाएगा। अब ये कहीं पे भी स्ट्राइक करने के लिए तैयार है। मैं यहाँ पे एक तिल्ली लेके आप लोगों को डेमो दे रहा हूँ स्ट्राइक करके, देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और द इंडियन गन पाउडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ आपसे वो मिस ना हो पाए।